YouTube चैनल अद्भुत शब्दवान पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज का वीडियो बड़ा रहस्यपूर्ण है। आज मैं आपको एक और रहस्यमय वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौए की दो आंख होने के बाद भी एक पुतली होती है, क्या कारण है। आपने सुना होगा कि जो कौआ पक्षी होता है उसके दो आंख होती हैं, परंतु दोनों आंखों में एक पुतली होती है। तो क्या है इसका रहस्य? क्या इसके पीछे कोई पौराणिक कथा जुड़ी हुई है या कोई अन्य कारण है? तो आइए श्रोताओं, जानते हैं कि कौए के दो आंख होने के बाद भी एक पुतली क्यों होती है, कौए को काना क्यों कहा जाता है। तो इसके लिए अधिक समय ना लगाते हुए अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। श्रोताओं, कौए का जिक्र समस्त वेद पुराणों में किया जाता है, क्योंकि कौआ एक महत्वपूर्ण पक्षी है। जब हम श्राद्ध तर्पण करते हैं उस समय भी कौए को भोग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जी हां श्रोताओं, यदि कौआ अन्न ग्रहण कर लेता है तो मान लेते हैं कि हमारे पितर भोजन कर चुके हैं। जी हां श्रोताओं, तो कौए का एक बड़ा महत्व है। गरुड़ पुराण में भी कौए का बड़ा जिक्र आता है, परंतु जो आज की कथा है इसको मैंने कई पुराणों से और रामायण से लिया है कि कौए के एक आंख होने का क्या कारण है, जबकि आंखें देखने में दो होती हैं परंतु उसकी पुतली एक ही होती है। तो श्रोताओं, एक समय की बात है कि भगवान श्री राम वनवास में अपना समय व्यतीत कर रहे थे और चित्रकूट पर निवास कर रहे थे और वहां अपनी नरलीलाएं कर रहे थे। श्रोताओं, उसी समय की बात है कि एक दिन भगवान श्री राम सीता माता के जंघा पर अपना सिर रखकर सो रहे थे। उसी समय इंद्र के पुत्र जयंत ने कौए का रूप धारण किया और भगवान श्री राम के बल की परीक्षा करने के लिए भगवान श्री राम के पास चित्रकूट पर आ जाता है। तुलसीदास जी ने भी इसका बड़ा रोचक वर्णन किया है और तुलसीदास जी लिखते हैं, सोरोपत सोतो धर बायस बेखा, सठ चाहत रघुपत बलो देखा। अर्थात इंद्र के पुत्र जयंत ने कौए का रूप धारण कर लिया और कौए का रूप धारण करके वह मूर्ख मंदबुद्धि भगवान श्री राम के बल की परीक्षा लेना चाहता था। श्रोताओं, आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, सीता चरण चौचहत भागा, मूड मंद मत कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सिंह धनुष सायक संधाना। जब उस दुष्ट ने देखा कि ये तपस्वी सो रहा है, उसको ये पता नहीं था कि श्री हरि विष्णु के अवतार साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है, परंतु कौआ जान नहीं पाया, देवराज इंद्र का पुत्र जान नहीं पाया कि ये कौन है, और उसने सीता माता के चरण में चौंच का प्रहार किया। और जब चौंच का प्रहार किया तो सीता माता के चरण से रक्त की धार बह निकली। और जब भगवान श्री राम ने देखा कि ये दुष्ट सीता जी के चरण पर चौंच का प्रहार करके भाग गया है, तो भगवान श्री राम ने अपना बाण उसके पीछे छोड़ दिया। श्रोताओ, होता क्या है? प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, भाग चला बायस भय पावा। भगवान श्री राम ने मंत्र से प्रेरित करके ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया उस कौए के पीछे, और कौआ भी डर के मारे भागता हुआ जा रहा है और अपना स्वयं का रूप धारण करके, धर निज रूप गए पितमाई, राम विमुख राखा ते नाई। अर्थात अपने जयंत रूप में आकर के अपने पिता इंद्र के पास गए, परंतु इंद्र देव ने भी सोच लिया कि ये राम का द्रोही है, इसे रखने में मेरी भलाई नहीं होगी। श्रोताओ, वह जयंत तीनों लोकों में इसी तरीके से सुरक्षा की गुहार करता हुआ घूम रहा है, लेकिन उसको किसी ने भी शरण नहीं दी। ब्रह्मलोक, कैलाश पर्वत और अन्य समस्त देवी देवताओं के पास चक्कर काटता हुआ जयंत घूम रहा है। तो श्रोताओ, उसी समय देव ऋषि नारद ने देखा
कि ये जयंत बड़ा व्याकुल है। तो नारद जी उसके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, नारद देखा बिकलो जयंता, लाग दया कोमल चित संता। जब नारद ने देखा कि जयंत बड़ा व्याकुल है तो कोमल चित वाले संत नारद जी ने जयंत को एक उपाय बताया कि तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, तीनों लोकों में भ्रमण कर लो, लेकिन भगवान श्री राम के विद्रोह करने वाले को कोई भी शरण नहीं देगा। तो जयंत बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, क्या करूं मैं इसमें, आप मुझे बताइए। तो नारद जी कहते, आप भगवान श्री राम के चरणों में जाकर के गिर जाओ। तो श्रोताओं, नारद के द्वारा सुझाए गए उपाय से जयंत भगवान श्री राम के चरणों में आकर के, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, मेरी रक्षा कीजिए, त्राहे माम कहता हुआ गिर जाता है। परंतु भगवान श्री राम कितने दयालु थे, उन्होंने उस जयंत को क्षमा कर दिया और केवल उसकी एक आंख फोड़ी थी। जी हां श्रोताओं, रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है, दीनो बंधु सुनो आरत बानी, एक नैन करतजा भवानी। अर्थात उस कौए की एक आंख को फोड़ दिया और जब वो ज्यादा अनुनय विनय करने लगा कि प्रभु मेरी एक आंख रह गई और मैं इससे क्या कर सकता हूं, तो भगवान श्री राम ने साथ ही उसे वरदान भी दिया था कि आज के बाद तुम्हारी ये एक पुतली रहेगी और आंखें दोनों रहेंगी, ये एक ही पुतली दोनों आंखों में घूम जाएगी। जी हां श्रोताओं, इसीलिए कौए की नजर बड़ी तीव्र होती है, आदमी की दोनों पुतलियां एक साथ एक ही दिशा में देख सकती हैं, अन्य जीवों की जो जितने भी जीव हैं सृष्टि पर उनकी दोनों पुतली एक ही साइड में काम करती हैं, जबकि कौए की एक पुतली दोनों आंखों में घूम जाती है। जी हां श्रोताओं, ये बिल्कुल वैज्ञानिक सत्य है, जांचा हुआ है वैज्ञानिकों के द्वारा, शोध किया हुआ फैक्ट है। तो श्रोताओं, इस तरीके से भगवान श्री राम ने उस कौए को ये वरदान दिया था कि तुम्हारे दो आंख होने के बाद भी एक ही पुतली रहेगी, और ये भी वरदान दिया कि तुम्हें, तुम्हारी एक आंख मैंने फोड़ी है, तो जो भी श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध का कुछ भाग, कुछ अंश आपको भी मिलेगा, जो पितरों को तर्पण करेंगे, श्राद्ध तर्पण करेगा, उस समय आपको अन्न का कुछ भाग मिलेगा। तो श्रोता, इस तरीके से भगवान श्री राम ने उस कौए को वरदान दे दिया था, और यही कारण है, आप भी जांच सकते हैं, यह सत्य है, वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित है कि कौए के दो आंख होती हैं और केवल पुतली एक होती है। तो श्रोताओं, ये कथा आपको तुलसीकृत रामायण में मिल जाएगी, अरण्यकांड में, और अन्य जो दक्षिणी भारत की रामायण है, जैसे बिलंका रामायण है, कृतिवास रामायण है, इन रामायणों में भी स्पष्ट रूप से मिल जाएगी कि किस तरीके से भगवान श्री राम ने जयंत की आंख फोड़ी थी और उसे वरदान भी दिया था। तो श्रोताओं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा, और इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।